ग्लोबल भारत समझ खबर। खबर कन्नौज जिले से, जहां कन्नौज जिले में कोरोना पॉजिटिव का पहला मरीज सामने आने के बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान से 28 मार्च को लौटा था युवक। हैरानी की बात यह है कि थर्मल स्कैनिंग में युवक की पहली रिपोर्ट नॉर्मल आई थी और आज सफाई से जब सैंपल भेज कर रिपोर्ट मंगवाई है तो उसमें यह पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद पूरे गांव को सील कर दिया गया है और युवक के परिजनों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए कन्नौज के CMO डॉक्टर के स्वरूप ने बताया, यह युवक खटिया थाना क्षेत्र के बदलापुर गांव का रहने वाला है, जिसकी उम्र करीब 28 वर्ष है। पुत्र नन्हेलाल, ये बदलेपुरा गांव है, थाना खटिया का। ये लड़का भिवाड़ी राजस्थान में किसी फैक्ट्री में काम करता था और ये 28 तारीख को यहाँ कन्नौज आया था। इसका स्क्रीनिंग किया गया था, उसमें बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें कोई इसको टेम्परेचर वगैरह नहीं था। उसके बाद से ये नॉर्मल था, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं थी। कल ये मेडिकल कॉलेज में इसकी जांच के लिए आया था। इसको किसी ने सजेस्ट किया होगा तो ये अपना जाँच के लिए मेडिकल कॉलेज में आया था। वहाँ पर इसके जाँच ले करके और सफाई मेडिकल कॉलेज में भेजा गया था, तो वहाँ से आज रिपोर्ट आई है, तो वो जो है उसकी पॉजिटिव है। सर, अभी भी इसको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो अब इसको तुरंत जो है वो एम्बुलेंस है, हम लोग मंडली स्तर पर जो एक CSC बनाई गई है, पहले वहाँ मरीज सब भेजे जाएंगे पूरे मंडल के, तो वहाँ पर इसको भिजवा रहे हैं और उसके घर वालों को उसी एम्बुलेंस से क्वारंटीन के लिए बुला रहे हैं और पूरे गाँव को सील किया जा रहा है और उसको अभी रात में ही पूरे गाँव को सैनिटाइज कराया जाएगा और कल से जो है हमारी टीम। कन्नौज जिले से ग्लोबल भारत के लिए कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट।